ओहाना शहर के व्यापार मंडल के सदस्य आज सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर काटे जा रहे चालान और नोटिस को लेकर नगर परिषद में ईओ दीपक गोयल से मिले और सिंगल यूज प्लास्टिक के स्टॉक को निपटाने हेतु कुछ समय के लिए छूट देने की मांग की। इस दौरान ईओ दीपक गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के नोटिफिकेशन के बाद चालान काटे जा रहे थे, जिसको लेकर आज व्यापारी मीटिंग करने के लिए पहुंचे और कुछ समय की छूट देने की मांग की, लेकिन जिस प्रकार से यह नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी किया गया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे द्वारा व्यापारियों को कहा गया है कि अगर आपके पास स्टॉक बचा है तो उसे आप हमारे पास सरेंडर कर सकते हैं, अन्यथा चालान काटने की प्रक्रिया जारी रहेगी। व्यापार मंडल गुमहाना की मीटिंग ईओ दीपक गोयल के साथ हुई है हमारी। जो प्लास्टिक का मुद्दा है, दुकानदारों के, छोटे दुकानदारों को या सभी दुकानदारों के चालान काटे गए हैं, हमने ईओ साहब से एक मांग करी है व्यापार मंडल ने कि भी हमें कुछ समय दिया जाए। उन्हें देखो लिखित में या कोई ऐसा आश्वासन है, लेकिन उन्हें कहा है भाई थोड़ा हम भी प्रचार करेंगे और आप लोग भी प्रचार करें और धीरे धीरे जिसके पास थैलियां हैं वो अपनी थैलियां हमें दे दें और 20 तारीख के बाद सबके बर्थडे से चलान होंगे। तब मैं भी गोहाना के जितने व्यापारी हैं, जितने दुकानदार हैं, उनसे अपील करता हूँ कि भी जो थैलियाँ हैं उनको बंद करें और जो सरकार की गाइडलाइन है उन गाइडलाइनों का पालन करें। व्यापारियों की तरफ से जब से हमने चलान शुरू किए तब से लगातार जो मैसेज आ रहा था कि हम मीटिंग करना चाहते हैं, तो इसलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। और व्यापारी जो चाहते हैं कि उन्हें समय दिया जाए, तो समय क्योंकि ये सरकार का नोटिफिकेशन है, हम अपने लेवल पर नहीं दे सकते, तो यही उनसे कहा गया है कि जिनके पास स्टॉक है वो अपना स्टॉक हमें सरेंडर कर दें, उनका चलान नहीं किया जाएगा। और बाकी लगातार हम इतना कर सकते हैं कि अभी नेक्स्ट वीक जो होलसेलर हैं मैन उनको टारगेट करेंगे, उसके साथ साथ हालांकि छोटे दुकानदारों का भी चलान होता रहेगा, कोई छूट अलग से नहीं दी जा सकती उनको, लेकिन इतना है कि छोटे दुकानदार अगर अपना स्टॉक निकालना चाहते हैं तो वो हमें सरेंडर करते हैं, ना कि हम उन्हें ये छूट दे सकते हैं कि आप 10 दिन के अंदर अपना सारा सामान आगे मार्केट में सप्लाई कर दें, क्योंकि वो अगर मार्केट में जाएगा तो वो जो नुकसान हो रहा है हम सबको हो रहा है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियाँ भी प्लास्टिक से पॉलीथीन से हो रही है हम सब जानते हैं, तो इसलिए ये छूट उन्हें नहीं दी जा सकती। हाँ, प्रचार प्रसार जो जैसा उन्होंने कहा हम करने के लिए तैयार हैं, लगातार करते भी आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये साहब इस तरह की जो कैंपेनिंग है कुछ टाइम के लिए चलती है फिर धीमी पड़ जाती है और लोग फिर उसी के आदी हो जाते हैं। एक्चुअल में दिक्कत यह आती है कि जब हम चलान करते हैं तभी सामने वाले की तरफ से डिमांड आती है कि प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा, लेकिन ये लगातार चलता रहता है। ठीक है, आपकी बात बीच में रुक जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन जब हम चलान करते हैं तभी इन लोगों की तरफ से डिमांड आती है कि प्रचार किया जाए, हम मान जाएंगे, लेकिन फिर बाद में वही होता है। अब इन्होंने 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन के बाद भी मुझे नहीं लगता कि बिना चलानिंग के, बिना शक्ति के ये जो सरकार के नियम है लागू हो पाएंगे। देखिए, टीम हमारी CSI मैडम हैं, MB साहब हैं, उनके नेतृत्व में टीम जाती रहती है। अभी 10 चलान किए हमने टोटल। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।